ट्रैफिक देख रहे हो, ट्रैफिक हमारी होटल तक गाड़ी आई नहीं पाई, हमको आना पड़ा रोड पे। हाँ बिल्कुल, जो चीज़ है जो जानकारी में है भैया वो बता रहे हैं। ओए होए क्या बात है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। शहीद है ना, अब ये जगह देखो खाली है। अब जैसे जैसे जो शहीद होगा कुछ भी होगा तो यहाँ पे नाम एक एक I'm in the whip with authority, looking like Sky BRI, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's, and the deserve it. Put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service. Now I gotta block these, she worth it. I'm out in Abu Dhabi with a bad look like Sky BRI. ट्रैफिक देख रहे हो, ट्रैफिक हमारी होटल तक गाड़ी आई नहीं पाई, हमको आना पड़ा रोड तक। यहाँ देखो दुकान के आगे ही गाड़ी लगी है। अब बताओ फुटपाथ पे चढ़ा के खड़ी करेंगे। ये तो वो बहुत चौड़ी है रोड, अब वो तो सांकड़ी सी गली है। बांट रहे हैं, चावल बांट रहे हैं। आगे आगे लगा के ले प्रसाद है ना बाबा का। आज शिवरात्रि है ना, उनको खाना मिल रहा तो वो उन्हें फटाक से लेकर रख लेंगे। नहीं तो वो खाना अभी खा लेंगे ना यार, फिर कहीं और खाना होगा, सब हो जाता। पर शिवरात्रि आज है, क्या पता बोल रहे हैं वो हमारे। मतलब खाना मिल रहा है दिल्ली में तो फटाक से ले लो फ्री का, ऐसा? अरे यार तो वो अब देखो, अब इनका ड्राइवर का काम है तो कहाँ जाके खाएंगे, मिल रहा है तो अपना खा लो। हाँ यार वो तो मतलब उनने देखा कि वहाँ पे खाना मिल रहा तो वो उतर ही गया यार। और छोले चावल है, छोले चावल है, वो तो उतर गए। कहते मैं लेके आता हूँ, लेके रख लूंगा फिर खा लूंगा। चालू गाड़ी छोड़ के चले गए, मस्त एसी चल रही। गाड़ी लॉक हो गई ना, लॉक कर दी थी हमने। हमने का क्या पता है, दे दूंगा मैं बाद में, खाऊंगा अभी नहीं खाऊंगा। लेकर भैया लेकर डिक्की में पकड़ रही है। हां नहीं कुछ नहीं कर रहा, डिक्की में हिल के नहीं गिरेगा तो नहीं गिरेगा नहीं। वो क्या बोलते हैं, चावल छोले। अरे वाह यार, खाओगे आप लोग? नहीं 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 अच्छा। मैंने कहा अगर है तो ऑन लेके आता हूं। तो बंद हो गया क्या? अगर आपने गाड़ी एसी ऑन कर रखा है और सेल्फ मार दिया तो एसी फूंक जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ, गाड़ी को कभी भी है एसी बंद करके स्टार्ट करना है, या तो फ्यूज उड़ेगा या एसी उड़ेगा, दोनों से एक काम होगा। इंडिया गेट के अलावा कहाँ घूमा जा सकता है? और इंडिया गेट के अलावा तो देखो कुतुब मीनार है, लोटस टेम्पल है, ये जगह हैं जहाँ ट्रैफिक ना हो और पानी ना भरा हो। बस इन दो जगह पे नहीं है कुछ भी। कहाँ पे? लोटस टेम्पल और क्या कहते हैं कुतुब मीनार। लाल किला पानी भरा हुआ, लाल किला मत जाना भूल गए। नाव करनी पड़ेगी, तैर के जाना पड़ेगा। हाँ उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी। जो बात है क्लियर बता दी, क्लियर है। जैसे आपने वो ट्रैफिक वाली बात बताई। हाँ बिल्कुल, जो चीज़ है जो जानकारी में है भैया वो बता रहे हैं। सही बात, कोई जा ही नहीं रहा, ट्रैफिक ही नहीं जा रहा उधर। अब हम गाड़ी में कहीं नहीं जाएंगे लाल किले। सही बात, आप कहोगे तो कहना भाई हम तो डूबने जाएंगे नहीं, या तो गाड़ी को नाव बनाना पड़ेगी। सही बात है। I'm in the whip with authority, looking like Sky BRI, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's, and the deserve it. Put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service. Now I gotta block these, she worth it. I'm out it. यार गाड़ी से जब मैं उतरा ना तो मैंने एक चीज़ महसूस करी कि मतलब स्मेल अजीब सी आ रही है, स्मेल अजीब सी आ रही है। पता नहीं वो पॉल्यूशन की वजह से आ रही है या क्या, मतलब अजीब सी स्मेल आई, मतलब ऐसे डेंस सी थोड़ी, तो समझ नहीं आया। इंटेंस हो गई काफ़ी, समझ नहीं आया। देखते हैं, सामने इंडिया गेट है और वो राष्ट्रपति भवन दिख रहा क्या? देखा हाँ दिखा नहीं आया मैं कभी तो, अंदर नहीं आया था। बाहर ऐसे खड़े होकर देख लिया, टैक्सी से वापस चले गए। अच्छा अच्छा, तो तुम भी पहली बार ही देख रहे हो ऐसे थे है ना? पर उस तरफ जाएंगे कैसे? वो तो वहाँ पे तो वो है, क्या बोलते, रोड है वहाँ तो, गाड़ियाँ निकल रही, उस तरफ कैसे जाएंगे? अरे उस तरफ यार इंडिया गेट मना है बोल रहा है। अरे मना नहीं है, वहाँ गए तो थे लोग, अपन लोग कल रात में लौट रहे थे तो अपन ने देखा था वहाँ तो लोग जब बारिश होती है तो खड़े होते हैं इंडिया गेट के नीचे ताकि पानी। अरे यार ऐसा नहीं है यार। नहीं नहीं। तो यार मज़े की बात अब ये है कि रोड है यार यहाँ, तो हम क्रॉस कैसे करेंगे? हमको जहाँ उतारा उस हिसाब से हम उतर गए, कैसे जाएंगे उस तरफ? अंडर पास है, वहाँ से जाना पड़ेगा। अंडर पास, अंडर ब्रिज। अरे नहीं भैया नहीं, नहीं भैया नहीं। यार एक मज़े की बात पता चली ज़िंदगी में, पहली बार ऐसा कुछ देख रहे कि कान साफ़ करवाने के लिए लोग पूछ रहे हैं कि कान साफ़ करा लो, क्या कान में इतना मैल है क्या आपने, इसलिए पूछ रहे हैं क्या? दूर से समझ आ जाता होगा, पर मैं क्यों किसी को अपने कान छूने देगा? नहीं नहीं, तो कहीं फ़ोटो खिंचा लो। या कहीं तो कान में से मैल निकलवा लो। वैक्स अजीब ही है थोड़ा मामला, कान में से मैल क्यों निकलवाना यार, होना भी तो चाहिए, है भी नहीं। और ये मैं क्यों किसी को कान छूने दूँ भाई अपने? खैर उनका वो कह रहे हैं कि ख़ानदानी मतलब पेशा है, वो करते ही ऐसा, तो ठीक है करवाते होंगे लोग और बहुत अच्छा भी लगता होगा, पर मुझे तो नहीं करवाना यार, मैं नहीं करवाऊँगा। चलो कैसे जाएँगे तुम? इतने रिलैक्स क्यों? अभी 5:30 बज जाएगा। जाना कहाँ से? अंडरब्रिज बोल रहा है यार, वो पता नहीं कौन से अंडरब्रिज की बात कर रहा था, मुझे पता नहीं। अरे यार तो तुम पूछ तो लेते उससे, बस हाथ दिखा के वो मुँह न घुमा लिया। तो यहाँ से आएंगे और इधर से जाएंगे क्या, ऐसा है क्या? और हाँ यार ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यार ये तो काफ़ी वॉक करवा रहे हैं यार, यहाँ से अब अपन जाएंगे पैदल पैदल उधर, फिर वहाँ से घूम के फिर पैदल पैदल इससे होते हुए फिर अंदर, और फिर उस तरफ पहुँचने में भी टाइम तो लगेगा ही है। ब्लॉग लंबा हो जाएगा क्या आज का? ऐसा लग रहा मुझे तो, कितना क्या क्या दिखाऊंगा मैं। क्वालिटी कैसी आ रही है यार फ़ोन की ये तो बता दो, नया नया फ़ोन लिया है मैंने, क्वालिटी कैसी लग रही है, क्या लग रही है बता दो यार, कम ऑन कमेंट करके बता दो, कमेंट करके। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन इंडिया गेट के काफ़ी पास पहुंच चुके हैं, जैसे ये सीढ़ी चढ़ेंगे तो आगे मज़ा आ जाएगा अपने को, है ना? तो अब मैं वो व्यू जो मैं देखूंगा वही दिखाता हूँ। तो भाई ये चल दिए, इंडिया गेट किधर है? इंडिया गेट देख क्यों नहीं रहा? ओह अरे सच में पास आ गए यार, गजब, वाह वाह मज़ा आ गया। ओए होए क्या बात है, क्या बात है यार, मज़ा आ गया। ये हुई ना बात। मौसम गर्मी हो गई, हाँ कल ठंडक थी थोड़ी सी, आज गर्मी हो गई, उमस हो गई, पर ठीक है अच्छा है। यार आज तो यहाँ पे हो रही है गर्मी, लेकिन जब मौसम अच्छा होता होगा तो कितना अच्छा लगता होगा। यहाँ देखो ना कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है यार, अच्छा लग रहा है मुझे तो। बस थोड़ा सा वो रहता, मतलब थोड़ी ठंडी रहती तो फिर और मज़ा आती, बादल ही रहते गर्मी ना रहती, कहने का मतलब ह्यूमिड ह्यूमिड और गर्मी। अब मुझे पता नहीं दिल्ली में ऐसे ही रहता है क्या हमेशा? अपन तो कम आते हैं, मतलब सेकेंड टाइम है शायद ये मेरा आना, सेकेंड टाइम, तो ज़्यादा पता नहीं है मुझे, जैसा फील हो रहा है बस वैसा बता। अच्छा लग रहा है, गर्मी गर्मी हो गई देखो, पसीना पसीना, ठीक है लेकिन सही है। अब यार इंडिया गेट तो ठीक है, लेकिन अब मैं आप लोग को कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आप शौक रह जाएंगे, अचंभा फील होगा आपको। 3, 2, 1 ये देखो कपड़े चेंज हो गए। कपड़े ही चेंज हो गए यार, क्या हमको सर्टिफिकेट लेने जाना है अभी कॉन्फ्रेंस वापस से, आज भी कॉन्फ्रेंस है, तो उन्होंने बोला था 5:30-6 बजे ले लेना, तो हम लोग जाएंगे और सर्टिफिकेट उठा लेंगे। तो वहाँ के लिए पैंट शर्ट भैया पहन के आए थे, पर क्योंकि गर्मी बहुत है तो ये भी लेके आए थे कि भाई उसके बाद घूमना होगा तो फिर पहन लेंगे, पर हम लोग जल्दी यहाँ पे आ गए तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर बदल लिए कपड़े फटाफट और अब है मज़े कर रहे हैं। अब तो बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जगह मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, इस तरफ पानी उस तरफ पानी। भोपाल से है ना यार अपन, सिटी ऑफ लेक्स, तो ये ऐसे पानी वानी देख के बड़ा अच्छा लगता है। कम ऑन, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? थोड़ी अव्यवस्था है यहाँ। अव्यवस्था क्या है? सब सही तो है नहीं। और क्या व्यवस्था चाहिए तुम्हें? फुहारे मुहारे बंद हैं, गर्मी पड़ रही है, ये फुहारे चलेंगे ठंडा होगा, कौन सा तरीका है? हाँ फुहारे चलना चाहिए। तो फुहारे हो सकता है, फुहारे हो सकता है शाम को चलते होंगे ना यार, इनमें कई गंदे हैं ये पोखर। अरे यार तो उसका टाइमिंग होगा, अपने को पता नहीं। She been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's and the deserve it, put in work for the money she earn it, give me top every night lip service, now I gotta block these, she worth it. I'm out in Abu Dhabi with a bad look like Sky BRI, ooh right beside me in the phantom off that body, yeah yeah Abu Dhabi yaar beta tha iski unchai ka andaza tha mujhe paas aake hua yaar, kitna vishal look, kitna acha lag raha hai yaar, wow maza aa gaya gajab एक नंबर। छोटा है, हाँ छोटा है, हाँ छोटा। नहीं नहीं वो उसका बोल रही है, मुंबई वाले का, वो छोटा है ये बड़ा है। छोटा है मुंबई है ना ऐसे। वाह अब यार, अरे वाह यहाँ से तो टच भी कर सकते हैं यार इसको, हैं कर दूँ क्या टच? वाह बहुत पास में ही था। यहाँ कोई क्यों नहीं फ़ोटो खिंचा रहा? सामने से ही फ़ोटो खिंचा रहे सब, एक नंबर। इतने पास, हाथों का पास में, और कितना पास चाहिए? यार अब हम लोग इसके पीछे आ चुके हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा है ना। अब अपन आए सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू पे, हाँ स्टैचू पे। अब मज़ा आएगी, देखेंगे दिखाएंगे है ना। और पीछे देखो इंडिया गेट, यस कम ऑन इंडिया गेट, बिल्कुल एक साथ सब चल रहा है सब कुछ। तो ऐसा है मामला, अब पीछे भी देखेंगे और आगे भी देखेंगे। क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है पर बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा वैसे, क्योंकि इसके पहले तो बहुत अच्छी क्वालिटी में बन रही थी ना वीडियो, इसीलिए। तो ये आ गए सुभाष चंद्र बोस और पीछे देखोगे तो इंडिया गेट है कि नहीं, मज़ा आ गया। अब मैं अच्छी क्वालिटी पे शिफ्ट हो जाता हूँ तुरंत। अब देखो एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ है ना, अपन तो जाग नहीं रहे, इनको देख के अगर जाग जाओगे सब तो अच्छी बात है। देखो दिखाता हूँ कुछ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण Hare Krishna 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 Hare Hare। देखा 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 कितना अच्छा लगा ना वहाँ पे। हरे कृष्णा हरे रामा बढ़िया। यार एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि ये सड़क देखो कितनी साफ़ सुथरी है, ये देखो फुटपाथ कितना अच्छा लग रहा है, ये सब कितना साफ़ सुथरा है। पूरा इंडिया ऐसा नहीं हो सकता क्या यार, हैं? इंदौर आओ, भोपाल आओ, साफ़ सुथरा दिखेगा, और अभी इसके जस्ट बाहर निकलो तो पूरा दिल्ली इतना गंदा दिखता है कि मैं क्या बताऊँ यार, है ना। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इतनी साफ़ सुथरी जो जगह है ये हमें बाहर पूरी दिल्ली में देखने को मिले। बाहर से लोग आते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है ना यार, वो क्या सोचते होंगे, ठीक है। तो ऐसा अपने को पूरा इंडिया बनाना है, कम ऑन, ठीक है। लिखा परम योद्धा स्थल, यहाँ फ़ोटो खिंचाना चाहते थे, कम ऑन। No man, but I'm man up for that. Ooh, put it on camera. She a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that phantom, I gotta be wetter than Niagara. यहाँ पे क्या है बेटू, अब यहाँ कहाँ शहीद स्मारक मेमोरियल क्या लिखा है? डिजिटल श्रद्धांजलि, डिजिटल ट्रिब्यूट दिखाता हूँ। अच्छा, अरे ये है बेटा, ये है सब, ये अच्छा ये कुछ करना है। कितने शहीद हैं? 26,540। हाँ, इनको जानते हैं, मूवी बनी ना, अरे मूवी बनी है वही तो। 1991। वाह, क्या है कि डिजिटल ट्रिब्यूट करने से आपका एनवायरमेंट पोल्यूट नहीं होता, फूल नहीं छोड़ा जाता, ज़्यादा गंदगी नहीं होता। अरे वाह यार, ये तो सही लग रहा है यार, गुड वाह यार। Like SKY BRI, ooh, right beside me in the phantom off that yeah Abu Dhabi with a bad look like SKY BRI, ooh, right beside me in the phantom off that yeah I'm in the whip with authority looking like SKY BRI, she got a body ayy, and she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's and the deserve it, put in work for the money she earn it, give me top every night lip service, now I gotta block these she worth it, I'm out in Abu Dhabi with a bad look like SKY BRI, ooh, right beside me in the phantom off that yeah Abu Dhabi with a bad look like SKY BRI, ooh, right beside me in the phantom off that yeah Abu Dhabi with a bad look like SKY BRI, ooh, right beside me in the phantom off that yeah Abu Dhabi with a bad look like SKY BRI, ooh, right beside me in the phantom off that yeah shorty a dancer with her only fans got a bands up, she independent got a lamb truck, don't need no man but I'm इंसासा ही बनी है। इसमें भी एक ही नहीं है, इंसास बनी है। अच्छा ऐसा है क्या? होती है ना? ओ वाह, वैसा है ये। अरे वाह यार, सोचा ही नहीं था मैंने। अब इसमें गुड यार, इसमें हिंदी वर्जन भी है। अरे वाह, अरे हाँ यार, ये तो बहुत सही चीज़ है। एक मिशन आने वाला है, तुम्हें जिहाद के लिए सरहद पार भेजा जाएगा, तुम लोग नाव द्वारा किशन गंगा नदी से बगटोर के जंगलों में जाओगे, जहाँ से तुम छिपकर काम कर सकते हो। ये देखो, जैसे इनके बारे में जानना हो। अच्छा, अशोक चंद्र, इसकी तो मुझे उम्मीद नहीं थी। यार सुन के उसा तो मन कर रही, हो सकता है की चेन हो, कोई लॉकेट हो, बहुत बढ़िया। कुछ पुरुष बहादुर पैदा होते हैं, कई प्रशिक्षण और बहुत ही शानदार है, मज़ा आ गया, गजब। जहाँ का वीडियो मैं बता रहा था ना, वो जो आउटलेट था वहाँ पे वीडियो बनाना मतलब अलाउड नहीं था। हम लोग अभी बाहर आ गए और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि मौसम कितना सही हो गया और बारिश होने वाली, मुझे तो ऐसे ही लग रहा। देखो ये बादल बादल हैं। और यहाँ मेरे को एक चीज़ दिखाने की, जैसे ये जो शहीद है ना, अब ये जगह देखो खाली है। अब जैसे जैसे जो शहीद होगा, कुछ भी होगा, तो यहाँ पे नाम एक ऐड होता है। आखिरी लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र सिंह चौहान, INS विक्रमादित्य, हाँ, उसमें शहीद। तो अभी ये पूरे खाली हैं, जैसे जैसे होगा तो अगला स्टोन जो है, अगला स्टोन, हाँ, उसमें तुरंत ये पहन लिया है। ये देखो फील डॉज बैच क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा भूल गया मैं, अंदर मैंने पढ़ा था। किसी को पता हो तो लिख देना कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं। और मौसम तो ज़बरदस्त हो गया यार। अभी मैं अपने रेयर कैमरेस दिखाऊंगा ना तो और मज़ा आएगा। ये देखो जैसे ये भरे हुए हैं, मैं दिखाता हूँ, कम ऑन, ये सबके नाम लिखे, ये भरा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे लोग उधर पे भी पूरे नाम भरे हुए हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं यार। बाप, सुनो तो बेटू दादा, पानी गिरने वाला है, देख रहे हो। अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चल दो। वाह यार, ये झंडा देख के अलग ही सुकून मिलता है, क्या पता क्या है, भयंकर सुकून। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, है ना। वाह यार, ये मुझे इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। वाह, बहुत ही शानदार, एक नंबर। वाह क्या बात है। क्या जरूरत है बारिश 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 हो गया, कहाँ जाओगे बारिश में? नहीं जाएंगे, गीले हो जाओगे। कितना सही लग रहा है यार। क्या बात, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो यार फाइनली बारिश आ चुकी है। अब मुझे पता नहीं मैं कब तक ये वीडियो बना पाऊँगा, कब तक नहीं। अरे यार, ये अंदर जाना तो रह ही गया यार, यहाँ पे जाना था। शिट यार, अब बारिश आ गई, अब कहाँ जाएंगे? लोग जहाँ भाग रहे हैं वहीं चलते हैं, वहीं छुपेंगे और क्या। चलो चलो चलो। तो यार अब क्या प्लान है? अब प्लान कुछ नहीं है, प्लान ये है कि अब बारिश बंद होगी, अब कॉलेज जाने का तो मामला कुछ खटाई में समझ में आ रहा है, क्यों जा नहीं पाएंगे, बारिश हो रही है। और कॉलेज जब तक बंद नहीं हो जाएगा, जब तक पहुँचेंगे, फिर तुम्हारा सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा तुम्हें? अब सर्टिफिकेट हमारा हम देखते हैं कैसे मिलता, क्या संडे वनडे में कोई अनऑफिशियली ला के दे दें तो बात अलग है। अभी डायरेक्ट अब होटल चलना है क्या? ऐसा ही लग रहा है, मतलब खाना वाना खा के अब होटल चलना, क्योंकि अभी तो इतना घूम लिया बारिश में, और कहाँ घूमने जाओगे आप। एक आध मेट्रो पे राउंड लगा लेंगे, अगर मेट्रो स्टेशन पास होगा, मेट्रो में बैठ के दिल्ली चक्कर लगा लेंगे, किधर उधर उधर उधर। अरे बहुत भीड़ रहती है, हो गया ठीक है एंकर, जब एक पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। एक पैर नहीं रखना, दो रखने हैं, वो तो और मुश्किल, दो रखने हैं और अपन दोनों मिला के चार रखने हैं, चार पैर, तो चार पैर रखने की जगह उससे अपने को चाहिए। और वो कितने अच्छे से खड़े हुए हैं यार, ये तो देखो। अरे 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 अरे, अब देखो, हाँ कहाँ देखो, ये देखो, है ना, ऐसे खड़े रहते हैं यार। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, पानी आने लग गया, आपको पीछे होना पड़ेगा। वो देखो सबको खड़ा करा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो जवान बारिश में खड़ा, तुम लोग यहाँ बैठे। सही बात है, ये तरीका हम लोग बैठे हैं, सब बैठ गए थे, अभी सब खड़े हो गए तो इस बात से भारत माता की जय। वंदे मातरम। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा और गीला होके मैं जाना नहीं चाहता। भैया तो कह रहे हैं गीले होते हुए चलो, पर गीले होते हुए चलो मतलब तुम यहाँ पे हो यार, कहाँ इंडिया गेट है, फिर उसके पीछे यार कितना चल के जाना है, बीच में वो घोड़ी कोई गाड़ी रुकती भी नहीं है, तो कैसे बैठेंगे क्या करेंगे बताओ? कार में बैठेंगे और घर चले जाएंगे, तो आधा पौन घंटे भीगते ही रहेंगे यार, फिर कार में बैठाएगा कैसे वो इसके भीगे बैठा लेगा। और टैक्सी वाला है वो ऑटो ऑटो में बैठ जाएंगे, ऑटो हाँ ऑटो, क्योंकि गीले हो जाएंगे कहाँ जाओगे, किस होटल खाना खाने जाओगे बताओ, नहीं जा पाओगे। तो फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है, नहीं तो पानी में मज़ा आ जाता है। निकलते हुए ऐसे ही ब्लॉग बनाते हैं। ये मैंने इसका इंतज़ाम कर लिया, बैग मैंने ऊपर लगा दिया है और अब ये देखो आप मज़ा, इंडिया गेट पे बारिश में इतना मज़ा किसी ने नहीं लिया होगा जो हम ले रहे हैं। कम ऑन उड़ाओ पानी उड़ाओ ये पूरे भीग गए हैं पर ठीक है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। यहीं से जाना है, यहीं से चलना है, चलो चलो चलो। काश एक छाता भी लाते तो और इजीली कर पाते। अब यार क्या पता मैं कब तक पकड़ा रहा हूँ। बाप रे, हाथ दुखने लगा, रख रहा हूँ फ़ोन। यार वाटरप्रूफ तो नहीं है फ़ोन, पर 10-15 सेकंड की वीडियो बनाने में ख़राब थोड़ी हो जाए। मैंने तो बना ली भाई, इतनी दम तो दिखानी पड़ेगी, नहीं तो कुछ आ भी नहीं पाएगा। बढ़िया हाँ। भयंकर बारिश हो रही यार, बस हम वहाँ तक पहुँच। हो गया फ़ोन गीला, फाइनली अच्छे से गीला हो गया फ़ोन भी और हम भी। अब मैं रख रहा हूँ, अब काफ़ी वीडियो आ गई है, अब रख लेना चाहिए। तो यार अपन ने क्या व्लॉग बनाना बंद कर दिया था ना, क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी। उसके बाद हम लोग आ गए घर और खाना हम लोग खा नहीं पाए थे, तो अब हमने मस्त खाना ऑर्डर कर लिया है। तो खाना आ चुका है, कोक और हमारी आ रही है और एक और शाही टुकड़ा उसको बोलना है लाने के लिए। फिर बस उसके बाद हम मस्त अपना डिनर करेंगे और उसके बाद फिर देखते क्या करते, ठीक है कैसी हालत हो गई